हम सभी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हर कोई हमें इज्जत मान सम्मान दे, और इस विषय पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिनको आपने बहुत अप्रिशिएट किया है। बट आज बात आ रही है कि किन किन लोगों को हमें अपनी लाइफ में इज्जत देनी चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी लाइफ में तरजीह देनी चाहिए। इज्जत मान सम्मान की बात आती है। सो हमेशा हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, चाहे हम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हों या नहीं जानते हों, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को इज्जत मान सम्मान देकर हमें बात करनी चाहिए। द सेम वे अगर वो डिजर्व करता है नहीं करता है, ये क्वेश्चन भी बाद में उठता है, लेकिन हमें उसको इज्जत मान सम्मान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस व्यक्ति को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं लेकिन किसी और को पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन तब भी हमें इज्जत देनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम उसके साथ जो भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उसका हमें कोई फल भी नहीं मिलने वाला, तब भी हमें इज्जत मान सम्मान देनी चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि किन किन लोगों को और उसके अगेंस्ट जो परिस्थितियां आती हैं, हमें किन लोगों को इज्जत मान सम्मान देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। पहली कैटेगरी आती है वो लोग जिन्होंने हमारा ट्रस्ट जीता हो, जिन्होंने हमारा विश्वास और भरोसा जीता होता है, उनके इज्जत मान सम्मान की हमें रक्षा करनी है और उनको प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। द सेम वे फ्रेंड्स, जो सेकेंड कैटेगरी आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिलायबल होते हैं, जिनके ऊपर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके आप ये विश्वास कर सकते हैं कि जो भी बात वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, या उनकी उस बात पर अमल करा जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी इज्जत मान सम्मान के ट्रू हकदार होते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय हमारा अपमान करने में या हमारी बेइज्जती करने में अपना सम्मान समझते हैं, यानी कि अगर चार लोगों के बीच में उन्होंने हमें कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिया या कुछ भी बुरा भला कह दिया, जिससे उनको आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, माय डियर फ्रेंड्स, उनसे उलझने या भिड़ने की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसे व्यक्ति मान सम्मान के हकदार नहीं होते हैं। सो अपने आप को हर्ट करने से बेटर है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करा जाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार हमारे ही अपने लोग होते हैं जो हमारी इंसल्ट करते हैं, और वो मौका तलाशते हैं कि जब भरी महफिल हो तब वो हमें कुछ बोलें या हमारे अगेंस्ट में बात करें। वहां पर केवल एक स्ट्रैटेजी अपनाइएगा कि जो ड्यू प्रोटोकॉल होता है रिस्पेक्ट देने का, उसको फॉलो करिएगा। वहां पर कतई उनसे उलझिएगा नहीं और गलती से उनको एक भी शब्द मत बोलिएगा, क्योंकि वहां पर वो तो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका बोला हुआ कोई भी शब्द दूसरों को नहीं खलेगा। लेकिन हाँ, आपने अगर बदले में जवाब दे दिया या आपने उनके बदले का कोई उत्तर दे दिया, तो भरी महफिल में केवल और केवल आपकी बेइज्जती होगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते, यानी कि आप उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको कितना प्यार करते हैं, आप उनको कितना सम्मान देते हैं, या आपने उनको कितना सर चढ़ा कर रखा है, बदले में जब कभी हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो मुंह मोड़े खड़े होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को भी समझना है, क्योंकि ऐसे लोग भी विश्वास के पात्र तो होते ही नहीं है। द सेम वे जो अनड्यू रिस्पेक्ट और अनड्यू जो हमने उनको अपने सर पर ताजीवन चढ़ाया होता है, उसके भी वो हकदार नहीं होते हैं। सो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर कतई टाइम मत वेस्ट करिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि कुछ लोग ना ड्यूअल कैरेक्टर के होते हैं, यानी कि आपके सामने आपकी बहुत मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपकी पीठ मुड़ी नहीं कि वो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सो कॉल्ड हमारे रिश्तेदार बहुतेरे होते हैं, हमारे घर पे आएंगे, हमसे आवभगत भी कराएंगे, हमसे गिफ्ट्स भी लेंगे, तो वो दूसरे घर जाएंगे तो हमारी बुराई करने में नहीं हिचकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उनके इस कैरेक्टर को तो बदला नहीं जा सकता है, बट हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगी कि उन पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दें, यानी कि उनको बहुत ज्यादा अटेंड करना छोड़ दें। जब भी वो आना चाहें या जब भी आपसे मिलना चाहें, थोड़ा सा बहाना बनाकर उनको इग्नोर कर दें। वो लोग भी ना तो ट्रस्टवर्दी होते हैं और ना ही इज्जत के पात्र होते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कि ऐसे लोग जो अपने कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो वादे अपने जीवन में करे होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग स्पेशली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो भी अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है या अपने लाइफ पार्टनर को डिसीव कर रहा है, चीट कर रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी भी इज्जत मान सम्मान अपने आप ही घट जाती है। वहाँ पर अगर आपको कभी स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ रहा है, सो सोच समझ कर लेकिन निर्णय जरूर लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है दूसरों को चीट करना, डिसीव करना,
धोखा देना। लेकिन जब भी वो हमारे सामने आते हैं मुस्कुरा कर आते हैं और हम पीछे के जितने भी वाक्य होते हैं उनको भूल जाते हैं और दोबारा हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनको हमसे प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही होती है, तभी बार बार उनकी हिम्मत पड़ती है। सो ऐसे लोगों को भी पहचानिए और ऐसे लोगों को भी इग्नोर करिए, और इज्जत मान सम्मान तो दूर की बात रही। होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा। द सेम वे वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।